वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक वालिद हैं, साथ उनका बच्चा है और उस बच्चे का उस्ताद है। आइए उनसे पूछते किस लिए आए। अरुण साहब ऐसे ज्यादती है क्या? देखो तुम वालिद नु थल्ले पाया, बच्चे नु उत्ते पाया। यार ये बच्चा यार आप जी जी ये भतीजे हमारे का नाम क्या है जी? ये तो ना जी कुद्दू जी। कहाँ लगा? वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे ये मैं रास्ते में मेरे पापा ने मुझे खिलौने लेके दिए। ये 20 किलो गड्डी ना हाथ ही चला लेता है। बेटा इसको प्लीज नीचे रख दो, सर में दर्द हो रही है। आपके तो वैसे भी होती रहती है। मैं ये जो है ट्रैक्टर है ना जी जी, ये मेरे पापा जब चलाते हैं ना जी जी ऐसे खेतों में जी जी, तो इधर मेरे पापा चलाते हैं ठीक, इस साइड पे ना मेरी मामा बैठती है। इस तरह के बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है। वो क्या? घर आए मेहमान का इनबॉक्स डिलीट कर देते हैं। दादी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है। बात ये है कि ये जो मेरा बच्चा है जी जी, पहले की पढ़ता था सर प्राइवेट स्कूल, ठीक है, पास ही नहीं हो रहा था। जब से मैंने इसे प्राइवेट स्कूल से उठा के सरकारी स्कूल में डाला है जी जी, हर साल पोजीशन ले रही है। वाह वाह, तो ये तो खुशी की बात है। आप परेशान लग रहे हैं। ये बच्चा तो पैदा होता ही पोजीशन ले लेता है। मुझे पता है कि मेरा बच्चा इतना ज़हीन नहीं है, ठीक है, ये कैसे सर हर साल टॉप कर रहा है? ये इसके टीचर बैठे हैं, जरा इनसे पूछेंगे मामला क्या है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा टीचर, मैं क्या पता 5 मिनट कॉलां नु भी देने। मेरा नाम शमसुद्दीन ताहिर है जी। अच्छा, और ताहिर मेरा तखल्लुस है। आप शायर भी हैं? नहीं। तो आपने ये तखल्लुस ताहिर क्यों रखा अगर आप शायर नहीं है? ये जो शायरी होती है ना, ये एक आमद का नाम जी, आमद होती, ठीक है, तो किसी वक्त भी शायरी की आमद हो सकती है, तखल्लुस पहले रख लेना चाहिए। हो जाए बच्चा घर रखे हुए, कहते मैं तकल्लफ ही कीता। यार कैसा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। उस्ताद जी जो है जी, उस्ताद जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हाँ, मैं ना पढ़ाई बिल्कुल ठीक करता हूँ। ओए हो जाए, टीचर सामने बंदा वैसे ही मुंह च कुछ ना कुछ पढ़ने लग पैंदा। आप कौन सी क्लास में हो? 9th में। फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। नहीं नहीं, मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। अच्छा हाँ, जरा थोड़ा सा ना जिस्मानी तवाज़ुन खराब है। ये बच्चा बायोलॉजी में 100 में से 100 ले सकता है। वाह यार, बायो में तो वैसे ही 100 में से 100 नहीं आते। इंजीनियर की सेहत है तो 500 भी ले सकता है। मतलब मैं 100 में से 100 नंबर नहीं ले सकता, आप ऐसे लोगों को शो में ले सकते हैं। इस बच्चे को तो बेसिक्स भी नहीं आती होंगी बायोलॉजी की। नहीं, बेसिक्स तो मुझे लगता है इसको आती होंगी सर। मेरा आती है, क्यों नहीं आती बताओ। इस बच्चे से पूछे ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होती है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है? वो आती है और मियोसिस से। लो ओ, ओ, कर ले बात। देखे बेसिकली अब मुझे समझ आ गई है कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ज़हनी तवाज़ुन खराब नहीं उसका, किसी एक जगह पे ज़हन बहुत चल रहा है। मुझे ऑटिस्टिक नहीं, मुझे फैंटास्टिक लग रहा है। जब मैं पहले स्कूल में पढ़ता था वो टीचर मुझे कहती थी कि ये बहुत फैंटास्टिक है। बेटा आप 9th में हो तो ABC तो आपको आती होगी। हाँ जी आती है। पता नहीं आती इसको। चलो सुनाओ ABC। कैपिटल लेटर सुनाओ या स्मॉल लेटर? यार ये किस किस्म का बच्चा है यार, आप क्या पढ़ाते हैं? देखिए जी, मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, इसीलिए मैं मुतमिन बैठा। तू तो यहाँ आती है ने, बच्चे नु पढ़ा। ये देख रहे हो जी, क्लास में से उतार के लाया हूँ, गर्म अरे नहीं था। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो फिर बताएं कि ये वर्ड क्या है। NATURE नटूरे। और FUTURE वेरी सिंपल, फटूरे। क्या फटूरे? फचर है। मुझे ये बताएं यार, आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? बिलीव मी हारून साहब, मेरे जैसे साथ तो अब आ ही नहीं रहे। उस्ताद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे साथ आजकल नहीं आते। अच्छा हाँ, ये हमने ना सब स्टूडेंट ने ना पैसे इकट्ठे करके ये बिलालगंज से लिए। तुम्हें इतनी झुकते कैसे आती हैं? मैं ना आपका शो देखता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जिसकी मसवाक जैसा मुंह नहीं है। शमसुद्दीन साहब मेरा एक सवाल है, तुम उस्ताद लोग हो, जी फिल्म आई सी पुष्पा जी, वो लकड़ा थले तुसी आए सी ना? ओ भाई मैं वो नहीं हूँ। नहीं वो आपको जो लात मार के कहता ना, झुकेगा नहीं साला। नहीं नहीं यार वो नहीं है ये। और होगा भाई नहीं, या फिर ये तो यहाँ वो चीज। यकीन कर, ये देख रहे हैं। ये क्या है? ये पता क्या है, साजी ने ना क्लास में एक दिन ना हमें बड़ा सीरियस होकर समझाया कि बेटा जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, किस जगह मौत आ जाए, इंसान को कफन भी नसीब होता है या नहीं। उस दिन से मैं उस साजी का कफन साथ लेके
लेकिन सर आप जरा गौर करें कि मेरा बच्चा किस हद तक जिम्मेदारी ले रहा है उसका। चाची तुसी ना क्या करो गौर करें, तुसी क्या अखां बंद करके मेरी गल सुन। भाई छोड़े इस बात को, दफा करें। मैं तो कर हेलो ये बाद में ऊपर जला के लगानी नहीं अगरबत्ती। बेटे बात हो रही है बेटे। ओ बाहर ना लाई जो जा उस्ताद है, तेनू अंदर लानी पैनी। देखे हरूण साहब मेरा तो दिल करा कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से भी उठवा लूं। क्यों? कल को मेरे बच्चे का क्या फ्यूचर है जिस तरह तुम पढ़ा रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे हाथ से तो जज निकले हैं, वकील निकले हैं, पायलट निकले हैं, इंजीनियर निकले हैं। और यकीन करें मैं भी निकल गया हूं। और वो ना निकलते हैं जो पता नहीं क्या बना देता हूं। बच के निकले ने। बच्चों को कहता हूँ आगे बढ़े, ये एक अच्छी चीज है। बहुत कम असातिज़ा ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चा मुझसे आगे निकल जाए। और मैं सुबह सुबह स्कूल के गेट के आगे खड़ा हो जाता हूँ और बच्चों को कहता हूँ जाओ निकलो आगे, निकलो आगे। तू सही रखिया कफन बेच भाई। आप ये तो बताएं कि प्राइवेट स्कूल से आपने क्यों हटाया अपने बच्चे को? बात असल में ये है कि जहाँ ये जा रहा था प्राइवेट स्कूल में, फीस इतनी ज्यादा जा रही थी, हर साल फेल हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे इसको दाखिल करवा के देखता हूँ, भाई शायद कोई फर्क पड़ जाए। बात वही की वही है, इतना ज़हीन हो गया अचानक से। मैं अपने पापा से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखे बैग के अंदर मैंने उनकी तस्वीर भी रखी हुई है। आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर क्या बने? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना, फिर मैं लोगों का इलाज करूंगा और फीस कम से कम लूंगा। एक मैं फ्री डिस्पेंसरी भी बनाऊंगा। शाबाश शाबाश। और उसका नाम मैं रखूंगा साबर मेमोरियल डिस्पेंसरी। हाँ जी। क्या हुआ? साबर मेरा ना जनाब। आपको हर मरीज दुआ देगा। बच्चा अगर सिर्फ स्कूल में पढ़ेगा, घर जाके ना पढ़े तो कैसे सरवाइव करेगा, आगे कैसे निकलेगा? हाँ ये बात दुरुस्त है कि घर के माहौल को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए स्कूल को। आप ठीक कह रहे हैं। जी, मेरे माहौल का घर का माहौल ऐसा नहीं है। हर वक्त का कुत्तखाना घर में। ये वजह है। अम्मी अबू की लड़ाई। इस चीज को समझने की बड़ी अशद जरूरत है। मसला ये है कि जब आप बच्चों के सामने लड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका बहुत ज्यादा असर ले लेते हैं। देखिए बाप का काम ये होता है कि आपको शेल्टर प्रोवाइड करे, आपको फूड प्रोवाइड करे, और माँ का काम ये होता है कि वो बच्चों की तरबियत करे। और कायदे आजम ने यही फरमाया था ना कि मुझे अच्छी माएँ दे दे, मैं आपको अच्छी कौम दे दूंगा। तो माँ जो है वो पहली दरसगाह है। तो इस बच्चे ने खुद को एक कोकून के अंदर बंद किया हुआ है। तो वो तो अब इनकी अम्मी आई होती यहाँ तो पता लगता। आप अगले शो में अपनी वालिदा को भी लेकर आए। मैं इतना कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं आपके शो देखता हूँ। मैं अपनी वालिदा को लेके आऊँ। आप तो झट देने से शेर सुना देते हो। नहीं अंकल नहीं, बच्चे के सामने नहीं लड़ना चाहिए। मैं यकीन करो कभी भी बच्चों के सामने अपनी बेगम में मैं गड्डी च पाउना, उन मैं लै जाना 2 किलोमीटर, मैं इतने मार ला चपेड़ा जड़िया मार। और वो भी मेरी आंटी इतनी बेचारी सीधी साधी है, वो 2 चपेड़े मारती है, 2 जूते मारती है बस। शमसुद्दीन ताहिर साहब मेरा एक सवाल है, अगर तुसी माइंड ना करो। नेवर माइंड। उस्ताद लोगों मैं तड़ी रिस्पेक्ट करना। थैंक यू। ऐ बहुबली दे विच तुसी तंबू थले आके सड़ नहीं सी गए? ओके क्या आता रे। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और यहां रिश्ता भी देखो तो कोई चेहरा दिखाती है। हाँ रिश्ता भी देखो तो कोई चेहरा दिखाती है, मगर बारात में घूंघट में छुपकर और आती है। जो बाहर रोब से बातों से सबको चार लेता है, वाह, वो घर में चू नहीं करता है, टाकी मार लेता है।